को क्या प्रॉब्लम है? अभी ठीक करता हूं इसे। बच्चे वो पर्स वापस करो। बच्चा नहीं बोलना। बच्चे को बच्चा नहीं बोलो तो क्या बोलो? पर्स वापस कर वरना बहुत मार खाएगा। शिवा, शिवा नाम है मेरा, समझे? आंटी आपका बैग। थैंक्स शिवा, तुमने तो कमाल कर दिया। चोर चोर पकड़ो, पकड़ो इसे, चोर पकड़ो इसे। मेरे इलाके में चोरी? इंस्पेक्टर लड्डू सिंह के इलाके में चोरी? हमारा नाम लड्डू सिंह यूं ही नहीं फेमस हो गया है। यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब चोर चोरी करता है तो लोग कहते हैं कि चोरी छोड़ दे वरना लड्डू सिंह आ जाएगा और चोर चोरी छोड़ के शरीफ बन जाता है। जमीन क्यों हिल रही है? अरे ये क्या साहब, इतने जोर से पैर मारा कि भूकंप आ गया। अच्छा सर, वो देखिए ज्वालामुखी से धुआं निकल रहा है, उसी वजह से ये जमीन हिली है। क्या ज्वालामुखी से धुआं? अरे सर, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पैंट ऊपर करके बात करने में ही भलाई है। चलो तुम सब लोग चलो, यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो? मन को भाया पानी में आग लगाया। हंस क्यों रहे हो? आप हंस रहे हैं इसलिए। वैसे आप क्यों हंस रहे हैं? मैं कई दिनों से सोच रहा था कि वेदास शहर में अपने हथियारों की फैक्ट्री कैसे बनाऊं। अब ये ज्वालामुखी जाग गया है तो इसके लावे से पूरा शहर जलाकर राख कर दूंगा और फिर यहाँ अंडरग्राउंड हथियारों की फैक्ट्री बनाऊंगा। किसी को हम पे शक नहीं होगा कि ये शहर मैंने बर्बाद किया है और यहाँ मेरी फैक्ट्री है। लेकिन ज्वाला बॉस, इस वॉल्केनो से लावा नहीं निकलता, सिर्फ धुआं निकलता है।
मैं इस वॉल्कनो के अंदर इतने पावरफुल बॉम्ब भर कर फोड़ूंगा कि उनके ब्लास्ट से अंदर सब पिघल जाएगा और लावा पूरे निकलेगा। सूरज निकला सूरज निकला सूरज निकला इस घर में तो सब्जी में नमक डालना भी मुश्किल काम है। अरे नाना जी गाना बंद करो। नाम है तुम्हारा भीमसेन और गाने से इतना घबराते हो। चलो दूसरी सब्जी बनाओ। जल्दी से चुपचाप अंदर चलो। कौन गया यहाँ से? शिवा कहाँ हो? मार्शल आर्ट कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो? हे जरा संभल कर, यहाँ हर जगह कुछ ना कुछ सामान पड़ा है, इसलिए ध्यान से। अरे वहाँ मार्शल आर्ट्स कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो? मैंने एक ऐसा खास जूता बनाया है जिससे मैं दीवारों पर चल सकता हूँ। वाओ, ये बहुत बढ़िया है। चलो जल्दी जल्दी होमवर्क कर लेते हैं, वरना कहीं नाना जी ने यहाँ आके अपना गाना शुरू कर दिया तो गए काम से। मुझे बहुत मजा आता है। मुझे तो डर लगता है कहीं नीचे गिर गए तो। कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं दिल्ली में था तो आईफिल टावर से भी ऊंचे पेड़ पे बैठ के टाइम पास करता था। आईफिल टावर दिल्ली में नहीं है पीकू, वो तो पेरिस में है। वो क्या गिरा? ये तो बॉम है। ये लोग बॉम लेकर वॉल्केनो पे क्यों जा रहे हैं? ये क्या कर रहे हो? बॉम अंदर करो। किसी ने देख लिया तो बैग ठीक से बंद करो। सारे बॉम्ब वॉल्केनो में फोड़ने हैं। लेकिन बॉम्ब वॉल्केनो के अंदर डाल के फोड़ क्यों रहे हैं? ओह नो, वो तो वॉल्केनो के अंदर बॉम्ब डाल के पूरे वेदास शहर को बर्बाद करना चाहते हैं। जल्दी चलो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पैंट ऊपर करके चलने में ही भलाई है। चैन से सोने का समय गया, अब वेदास शहर को जगाने का टाइम आ गया है। वेदास टीवी चैनल के लिए ये तो गर्मा गर्म न्यूज है। ये प्लान है उनका,
पूरा वेदा शहर बर्बाद करने का। शिवा, वो खतरनाक लोग हैं, जरा होशियार रहना। शिवा कहाँ है? वो उधर गया है, उसे जल्दी से बचाइए, वो खतरे में है। ताकि वेदा शहर बर्बाद हो जाए। वो देखिए, एक लड़का अकेले उन सबको रोकने कैसे जा रहा है। उसका नाम है शिवा। तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो, एक लड़का तुम्हारे पीछे आ रहा है। उसने पूरे टीवी चैनल वालों को खबर कर दी है। बॉस, रिपोर्टर शूट कर रहे हैं, अब मिशन रोकना होगा। मिशन कैंसिल नहीं होगा। मेरे मन को भाया, पानी में आग लगाया। खत्म कर दो उसे। ओके बॉस। ये तो अपना शिवा है। इस लड़के का एक ही मकसद है, अपने वेदास शहर को बचाना। क्या ये बचा पाएगा? शिवा अब क्या करेगा? आगे रास्ता नहीं है, वो वापस जा रहा है। अब कहाँ जाओगे बच्चू? आ जाओ हमारे पास, आ जाओ चुपचाप। अरे अरे, वो तो फिर उसी खतरनाक रास्ते पर चल दिया। क्या करेगा वो? कैसे पार करेगा इस रास्ते को? बेवकूफ बच्चा, जोश में होश खो बैठा है। उस दीवार पे कोई नहीं जा सकता। अरे शिवा नहीं, ये तो अनहोनी है, अनहोनी ही है। कोई ऐसे रॉक पिलर्स पर साइकिल चलाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तुम लोग बॉम्ब बाद में असेंबल करो, पहले शिवा को खत्म करो। हो गया।
यहाँ तक तो आ गए हो बच्चे, लेकिन यहाँ से बच के कैसे जाओगे? बच्चा नहीं कहना अंकल। बच्चे को बच्चा नहीं कहूँ तो क्या कहूँ बच्चे? शिवा, शिवा नाम है मेरा। मेरे मन को भाया, पानी में आग लगाया, तू तो एक बच्चा है। ज्वाला साहब, उसे बच्चा नहीं कहना, बहुत मारता है। बच्चे को बच्चा ही कहूँगा, बच्चा 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 बच्चा। बच्चा नहीं कहना अंकल। ना गलती अंकल। तो फिर क्या कहूँ? शिवा, शिवा नाम है मेरा। मेरे मन को भाया, पानी में आग लगाया, अब जाओ और वोल्केनो की आग बुझाओ। सिर्फ 15 मिनट। लड्डू सिंह जी, आप इनका ख्याल रखिए, मैं अभी आया। यस सर। नहीं, मैं शिवा को सर क्यों बोल रहा हूँ? शहर को बचा लिया। सैल्यूट यू। अरे भूकंप।
नाना जी ने गाना शुरू कर दिया। नाना जी गाना नहीं गा रहे हैं, तो फिर ये सब हिल क्यों रहा है? वो देखो उधर क्या है? ओह नो, इतना बड़ा ट्विस्टर! भागो! शिवा, बाहर मत आना! Thank you.
तबाही का दूसरा नाम टोरनेडो है। आज मैंने वेदा शहर में ऐसी तबाही मचाई है कि कल जब तुम ट्विस्टर में जाओगे डेविड, तो कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन टोरनेडो, कोई घर से बाहर नहीं निकला तो हम चोरी कैसे करेंगे? डेविड अकल के घोड़े दौड़ा, कोई अगर घर से नहीं निकलेगा तो बैंक्स में भी कोई नहीं होगा और तुम्हें उन बैंक्स को लूटने में आसानी होगी। वेदांत सिटी में पहली बार इतना बड़ा भवंडर आया है, शायद ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है। पूरे शहर में तबाही मचा दी है। आज रात देखिए ट्विस्टर पर हमारा खास प्रोग्राम भवंडर। नाना जी, इतना बड़ा ट्विस्टर कहाँ से आ गया? शिवा, खाना खाते समय बात मत करो, चलो खाना खाओ। देखना ना भूले। हाँ हाँ, देख लेंगे। चुप कर। और रोज उन तूफानों का फायदा उठा के कोई गैंग बैंक्स लूट रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे इलाके में चोरी। इंस्पेक्टर लड्डू सिंह का नाम यूं ही नहीं फेमस हो गया। यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब चोर चोरी करता है तो लोग कहते हैं चोरी छोड़ दे वरना लड्डू सिंह आ जाएगा। वेदास बैंक में चोरी हो रही है। मेरा राम, वेदास बैंक की तिजोरी कोई तोड़ रहा है। फायर, फायर, चोरी बैंक में हो रही है। चलो बैंक चलो, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो टोरनेडो, ये है वेदास बैंक का सारा रुपया। तबाही का दूसरा नाम है टोरनेडो। कभी किसी को शक भी नहीं होगा कि ट्विस्टर चोरी भी कर सकता है। अब सिर्फ एक बैंक बचा है और उसे मैं लूटूंगा। और उसके बाद ये शहर छोड़कर हम किसी और शहर में तबाही मचाएंगे। आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता। You are the best. एक है जो मुझे टक्कर दे सकता है। सोचने में मजाक लगता है लेकिन उसी में इतनी हिम्मत है कि मुझे टक्कर दे सके। कौन टोरनेडो? ये कौन है? पता नहीं, लेकिन जो कोई भी है बड़ा हिम्मत वाला है। वेदा शहर का क्लाइमेट ऐसा नहीं कि इतने ट्विस्टर रोज रोज आए। तुम कहना क्या चाहते हो? रोज ट्विस्टर आ रहे हैं और रोज कोई ना कोई बैंक लूटा जा रहा है। इस ट्विस्टर और बैंक रॉबरी का कोई तो कनेक्शन है। वो हमें पता करना है। लेकिन पता कैसे करोगे? ये राज पता चल सकता है अगर मैं अपना कैमरा ट्विस्टर के अंदर डाल सकूं। वो सारे इमेज शूट करके हमें रिले करेगा। ओए फिकर नॉट, मैं हूँ ना। यस यस, वाओ, वो देखो ट्विस्टर आ रहा है। चलो जल्दी, उसमें मुझे अपना कैमरा डालना है। ये तो वही लड़का है जो मेरे ट्विस्टर के पीछे पड़ा था। आखिर ये चाहता क्या है? चलो देखते हैं उसमें कितनी हिम्मत है। शिवा रुक जाओ, खतरा है। शिवा, वो इधर ही आ रहा है। भागो वरना हम सब फंस जाएंगे। भागो बच्चों, और भागो। Thank you.
NH5 के अंदर आ जाओ, नीचे कोई खतरा नहीं होगा। अब ये बच्चे कभी किसी ट्विस्टर के पीछे नहीं जाएंगे। मेरा कैमरा ट्विस्टर में गया, अब देखते हैं उसमें क्या है। मालूम था ये टोनेडो नकली है। हेलो रिपोर्टर राणा। यस स्पीकिंग। मैं शिवा बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपके मोबाइल पे लिंक भेज रहा हूँ, आप डायरेक्ट टेलीकास्ट कर सकते हैं। एक ट्विस्टर अभी भी शहर की तरफ बढ़ रहा है, मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ। Hey guys, एक हॉट टिप मिली है, ट्विस्टर नकली है और उसमें बैंक रॉबर छुपा है। Just watch it. Come on, guys, let's go. टोर्नेडो है, देखो देखो हमारे बॉस टीवी पे आ रहे हैं। वाओ टोर्नेडो, आपने टीवी में कब काम किया? हाँ, क्या बक रहे हो टोर्नेडो, आप टीवी पे दिख रहे हो। यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम डैशिंग, और इस सीन में तो आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो। नो नो, कोई मेरा लाइव टेलीकास्ट रिले कर रहा है, ये उस लड़के का ही काम हो सकता है। यस, ये उसी लड़के की कारस्तानी है, उसने ट्विस्टर में एक कैमरा डाल दिया है, पकड़ो उसे। शहर जाने वाली रोड पे जो छोटी पुलिया है उसके नीचे छुपे हुए थे वो, जाओ उन्हें पकड़ो, छोड़ना मत। मैं शिवा बोल रहा हूँ। साहब, बड़े बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि पैंट पहन के ही चलने में भलाई है। ये बच्चा धो डालेगा, वो भी हमें। हे अंकल, बच्चे को बच्चा कहोगे तो उसे बुरा लगता है, उसे नाम से ही बुलाना चाहिए। तेरा नाम क्या है बच्चे? Allow me to introduce myself. I am Shiva, आपका अपना शिवा। आपका अपना शिवा कहा तो इतना मारा, अपना नहीं कहता तो कितना मारता। टोर्नेडो जल्दी आओ, ये बच्चा बहुत खतरनाक है। मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा, I will finish him. ये क्या
ट्विस्टर ने रुख चेंज कर लिया है। आज तुम नहीं बचोगे बच्चे, आज तुम खत्म। तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। तुम जानते नहीं बर्बादी का दूसरा नाम टॉर्नेडो है। मेरे काम में टांग अड़ाने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी बच्चे। हमारे दर्शकों को पूरी तरह बताओ तुमने ये कारनामा कैसे किया। अरे कोई हमसे भी पूछ लो कि मैंने ये गुंडे कैसे पकड़े। हाय, इन्हें मैंने दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा, भगा भगा कर पकड़ा। हाय, हार गया, मैं हार गया। तबाही का दूसरा नाम टॉर्नेडो है, लेकिन तुमने मुझे ही तबाह कर दिया। शिवा, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। आज मैं दिन भर तुम्हारा स्पेशल प्रोग्राम चलाऊंगा और मैं तुम्हें सरकार से इनाम दिलवाऊंगा, साथ ही साथ 21 तोपों की सलामी दिलवाऊंगा। हाँ,
चोर चोर आया चोर आया चोर आया पा चोर आई रुक जा आई चिक चोर आया चोर पकड़ा मेरे तेरे गाड़ी लेके भाग गया चोरी करता मेरी कार मिली, चल पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर लड्डू सिंह के इलाके में चोरी? लड्डू सिंह के इलाके में चोरी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? यहाँ से 50-50 कोस दूर जब चोर चोरी करता है तो लोग कहते हैं चोरी छोड़ दे वरना लड्डू सिंह आ जाएगा। मैंने इस चोर को चोरी करते देखा है और मैं चिल्लाया भी, अयो ये चोर है और इसको शिवा ने पकड़ा। अंग्रेजी नहीं समझ में आती तो हिंदी में सुन लो, रुक जाओ। हाँ, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं पैंट उतार के काम करना ठीक नहीं, मेरी मानो तो पैंट पहन लो। अय्या आप लोग यहाँ कैसे? स्वामी जी हम तीनों के घरों में चोरी हो गई है। कमाल है, मेरे घर से कार चोरी हुई और तुम तीनों के घर से सामान चोरी हुई। ऐसा लगता है जैसे कोई हम चारों के पीछे पड़ा है। इंस्पेक्टर लड्डू सिंह जी ये मेरे साथ एयरपोर्ट सिक्योरिटी में काम करते हैं, इनकी भी रिपोर्ट लिख लीजिए। कितने पुलिस वाले थे? बॉस एक बच्चा था। एक बच्चा? सिर्फ एक बच्चा? एक बच्चे ने शेरू को कैसे पकड़वा दिया? कह दो ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बॉस ये सच है, सच है, सच है। शेरू पकड़ा गया। अब आईडी कार्ड का क्या होगा? हमें उस सिक्योरिटी ऑफिसर का आईडी कार्ड चाहिए। ये देखो सिर्फ 3 आईडी कार्ड है हमारे पास और वो चौथा हमें चाहिए। इस ऑपरेशन के लिए 4 आदमी चाहिए। सर मैं उससे पुलिस स्टेशन में मिलने गया था, उसने बताया है कि वो आईडी कार्ड जहां वो पकड़ा गया था वही एक झाड़ी में फेंक दिया है। पहले क्यों नहीं बताया? कल सूरज की पहली किरण के साथ ही हम जाके वो आईडी कार्ड ले आएंगे। हाँ ये शिवा हमेशा उल्टे सीधे काम करता है और हमसे
भी करवाता है। अरे इतनी ऊपर आकर बैठने की क्या जरूरत थी जब नीचे ही बैठकर बात कर सकते हैं। तो शिवा ने रात को जो चोर पकड़ा था उसकी चीज को अपनी साइकिल में लगाए कैमरा से शूट कर लिया था, वो हमें दिखाने वाला है। शिवा दिखाओ ना। एक बार मैंने एक डाकू पकड़ा था, हुआ यूं कि ए आदि चुप करना यार, चल शिवा दिखा आप मुझे। ये इतनी सिक्योरिटी क्यों है आज? आज चीफ मिनिस्टर जी बाहर जा रहे हैं, ये सिक्योरिटी उनके लिए ही है। हे, तुम्हें कैसे पता? ये बात तो मुझे नहीं पता अभी तक। मेरे पापा उस प्लेन के पायलट हैं जिसमें चीफ मिनिस्टर जी जा रहे हैं। मेरे पापा उनके लिए स्पेशल प्लेन लेकर आ रहे हैं। मेरे पापा भी चीफ मिनिस्टर के साथ जा रहे हैं, वो उनके सेक्रेटरी हैं। हे, लो आईपैड में चेस शुरू हो गई। ये इसने क्या फेंका? देखो चोर जेब से कुछ निकाल के झाड़ी में फेंक रहा है। हाँ वो कुछ फेंक तो रहा है लेकिन साफ नहीं दिख रहा। अगर फेंकना ही था तो उसने निकाला ही क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। चलो चल के देखना चाहिए उसने क्या फेंका। वो देखो साइकिल से कुछ बच्चे आ रहे हैं, जल्दी करो। किसी आई कार्ड का रिबन लगता है, जरूर इसके पीछे कोई मिस्ट्री है। चलो उनका पीछा करते हैं। शेरू को पकड़वाया है, अब मुझे पकड़ने आ रहा है। और तेज चलो, और तेज। कार आप चला रहे हो, हम नहीं। ओह सॉरी सॉरी। ये बच्चा नहीं बचेगा। ए, सुनो बच्चे, चुपचाप चले जाओ वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप वहाँ झाड़ियों से क्या निकाल कर ले जा रहे हो वो दिखाओ, मैं चला जाऊंगा। शेरू अकेला था इसलिए पकड़ा गया। हम चार चार हैं और बहुत डेंजरस अपराधी हैं। अब देखना तेरा क्या हाल करते हैं। सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दो। ये तो मिस्टर स्वामी का एयरपोर्ट का आईडी कार्ड है, तुम इसे क्यों ले जा रहे हो? शिवा तुम ठीक तो हो?
सबको इतनी बुरी तरह मारा? कितने लोग थे? कितने लोग थे? एक बच्चा था बॉस, सिर्फ एक बच्चा। वो एक था और तुम चार फिर भी मार खा गए। आग तू, बाबा का नाम पूरा कचरा कर दिया। बॉस बॉस, मैं आईडी कार्ड लेकर आया हूँ, ले लीजिए। अब आएगा मजा। चलो प्लेन हाईजेक करने की तैयारी करो। एक बार प्लेन हाईजेक हो गया और चीफ मिनिस्टर मेरी पकड़ में आ गया तो हम अपने खतरनाक टेररिस्ट दोस्तों को जेल से छुड़वा लेंगे। हेलो अंकल, मैं शिवा बोल रहा हूँ। आपका एयरपोर्ट पास वो चोर ले गए हैं। वो आपकी कार नहीं, एयरपोर्ट पास चोरी करने आए थे। लेकिन क्यों? वो एयरपोर्ट पास का क्या करेंगे शिवा? अच्छा ये बताइए, आपके एयरपोर्ट स्टाफ के तीन और साथियों के यहाँ कल रात को ही चोरी हुई है, तो क्या कहीं उनके भी पास तो चोरी नहीं हुई? यस यस, तुम्हें कैसे पता कि उनका फोन आया था? सबके पास चोरी हो गया है। ये चोरी प्लान करके की गई है अंकल। चोर को पता था कि आप पास कार में रखते हैं और बाकी लोग घर में, उनको पास चाहिए थे, इसीलिए उन्होंने निश्चित जगहों पर चोरियां की। लेकिन ये लोग पास का करेंगे क्या? आज चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई, यस यस यही बात है, प्लेन हाईजैक। कोई चीफ मिनिस्टर का प्लेन हाईजैक करने का प्लान बना रहा है। उसे सिक्योरिटी ऑफिसर का पास चाहिए ताकि वो एयरपोर्ट में दाखिल हो सके। आप पुलिस को फोन करिए जल्दी। मेरे पापा उस प्लेन के पायलट हैं। मेरे पापा भी चीफ मिनिस्टर के साथ हैं। ओह नो, अब क्या होगा? चलो एयरपोर्ट चलते हैं। सर, हम एयरपोर्ट इंटेलिजेंस से हैं। हमें आपके बीच में शामिल होकर एयरक्राफ्ट तक चलना है ताकि कोई खतरा ना हो। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक आप सबके ऊपर कोई हमला हो सकता है। आइए आइए, फिर तो जरूर आप हमारे साथ आ जाइए। आपकी सुरक्षा के लिए सर। लेकिन प्लेन में क्या कर रहे हो? क्योंकि प्लेन हाईजैक करना है। हेलो मैनेजर, मैं बाबा बोल रहा हूँ, बाबा हाईजैकर। आपको जानकारी दे दूं कि चीफ मिनिस्टर का प्लेन मेरे कब्जे में है और अगर बाबा को जेल से नहीं छोड़ा गया तो चीफ मिनिस्टर कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन बाबा तो आप ही हो। मैं बाबा हूँ लेकिन जूनियर बाबा हूँ। वो बाबा सीनियर है, उनके साथ पांच और आतंकवादी कैद हैं, उन्हें भी छोड़ दिया जाए वरना। ऑल कमांडोस, अपने अपने हथियार बाहर फेंक के रनवे के बगल में जो अंडरग्राउंड गोडाउन है उसमें चले जाएं, वरना चीफ मिनिस्टर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे बार बार कहने की आदत नहीं है, जल्दी करो। (Gülüyor)
अब हम अपने साथी को भी छुड़ाएंगे और सरकार से 50 करोड़ रुपए भी मांगेंगे। पायलट से कहो प्लेन को हमारे सीक्रेट अड्डे पे ले चले। हमें प्लेन वापस लेना होगा। झूठ मत बोलो। ये देखो इंडिकेटर। जाओ और फौरन चेक करो। तुम प्लेन लैंड करो और रिफ्यूलिंग करके वापस टेक ऑफ करो। जल्दी। ये कहां से आ गया? शिवा, तुम यहां क्या कर रहे हो? पकड़ो उसे। ये बच्चा कहां से आया? नहीं हूं तो तुम वही बच्चे हो जिसने शेरू को पकड़वाया था। बहुत बहादुर हो। बाय बाय बहादुर बच्चे। प्लान मिट्टी में मिला दिया तूने। मैं हार नहीं मान सकता। एक बच्चा करके हमें थप्पड़ मार रहे थे और खुद ही एक बच्चे से मार खा रहे हो। अरे वो एक बच्चा 10 के बराबर है, लेकिन मैं भी कम नहीं। अभी उसे छठी का दूध याद दिला दूंगा। बाबा, छोड़ना मत उसे। मारो और मारो। वेरी गुड, कोशिश करो। क्या बात है,
बहुत अच्छा शिवा। बाबा मारो मारो, छोड़ना मत। शिवा जीतेगा। बहुत अच्छे शिवा। और पंच मारो। जल्दी, कौन हो तुम? क्या बला हो? क्या चीज हो? Allow me to introduce myself. I am Shiva. शिवा, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हैं। हम सरकार से बहादुरी का इनाम दिलवाएंगे। Three cheers for Shiva! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे!